मुझे प्रार्थना के महत्व पर विश्वास है। मैं प्रार्थना के जीवन की आशीष का आनंद लेना चाहता हूँ। पहुंच मेरी भूतकाल की असफलताएं मेरे मन को व्याकुल करती हैं। मेरे लिए केवल आधा घंटा भी प्रार्थना करना कितना कठिन लगता है। मैं कैसे अपने प्रार्थना के समय का आनंद ले सकता हूँ? क्या हम सफलता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? ऐसे कई एक प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। डरे नहीं, नीचे मैं कुछ व्यवहारिक सुझाव रखना चाहता हूँ। न ठहरें, नष्ट न करें। न ठहरें, परंतु तुरंत प्रार्थना करना शुरू करें। इस प्रकार से कहकर देरी न करें, मैं प्रार्थना की कला में जब बिल्कुल निपुण हो जाऊंगा तभी प्रार्थना करूंगा। आप प्रार्थना के भेदों को तभी समझ सकेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना की सच्चाइयों को केवल प्रार्थना करने वाले को ही प्रकट करता है। बहुतों के पास प्रार्थना करने की इच्छा तो होती है, परंतु वे कभी प्रार्थना नहीं करते। वे कई एक प्रार्थना के विषय की पुस्तकों को पढ़ते हैं, परंतु अभी तक प्रार्थना करना शुरू नहीं किया। देरी से आज्ञा को मानना आज्ञा न मानने के तुल्य है। देरी करना भी इसी के समान है। जिनके अंदर प्रार्थना करने की इच्छा है परंतु प्रार्थना नहीं करते, उनकी गिनती उनसे अधिक है जो लापरवाही के कारण प्रार्थना नहीं करते। उनका मुख्य कारण है प्रार्थना प्रारंभ करने की समस्या। कोई तैरना क्यों कर सीख सकता है जब तक कि वह पानी में न उतरे? कोई क्यों कर अपने विषयों पर स्वामित्व पा सकता है जबकि वह विद्यालय में प्रवेश न करे? हाँ, जब तक आप प्रार्थना करना प्रारंभ न करें, आप प्रार्थना के भेदों को क्यों कर समझ सकते हैं? प्रभु यीशु ने प्रार्थना के विषय में कई सबक सिखाए। उसने केवल उन्हीं को सिखाया जिनके अंदर प्रार्थना करने की आदत थी। प्रभु यीशु के मन में कभी भी प्रार्थना न करने वाले लोग नहीं रहे। जब भी उसने प्रार्थना के बारे में बातचीत की, उसने यह कहा, जब तुम प्रार्थना करो, न कि यदि तुम प्रार्थना करो। सबसे सफल प्रार्थना के जीवन की पहली सीढ़ी यही है कि इसके विपरीत कि हम 10 वर्ष तक प्रार्थना के विषय में पढ़ें, हम 10 दिन तक प्रार्थना करें। ऐसा मत सोचें कि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। आज ही से प्रार्थना करना प्रारंभ करें। अपने समय को इधर उधर की बातों में व्यर्थ न करें। यह समय प्रार्थना पर बहस करने का समय नहीं है, परंतु यह प्रार्थना करने का समय है। एक सच्चा परिवर्तित मनुष्य परमेश्वर से संगति रखने की लालसा रखेगा। पौलुस तुरंत अपने जीवन परिवर्तन के बाद प्रार्थना करने लगा और अन्य बातों को उसने हनन्याह के आने पर सीखा। प्रार्थना के विषय में जानने के पहले ही वह प्रार्थना करने लगा। क्या एक जन्म हुए बालक को अपनी माता को बुलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है? यह स्वाभाविक रूप से उसके पास आ जाता है ना? आज ही से जितना आप प्रभु से बातचीत कर सकते हैं उतना बातचीत करें। प्रार्थना के लिए समय नियुक्त करें। प्रार्थना के लिए विशेष समय नियुक्त करना एक सफल प्रार्थना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो यह कहते हैं कि हम प्रार्थना तभी करते हैं जब हमारी इच्छा होती है, वास्तव में वह प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना करने की अवसरों के लिए ठहरते हैं, उन्हें अभी प्रार्थना की प्रारंभिक बातों को सीखना है। जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने को मजबूर होते हैं, वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय रखना ही प्रार्थना जीवन की मुख्यता है। क्या हम भोजन, विश्राम तथा व्यायाम आदि के लिए समय अलग नहीं करते? परंतु क्या हमने प्रार्थना के लिए समय अलग किया है? इस लापरवाही के कारण अनेकों का पतन हुआ है। मुझे दुख हुआ जब मैंने लोगों को एक संयमी और क्रमानुसार जीवन व्यतीत करने के विषय में कहते हुए सुना, परंतु इनका प्रार्थना जीवन में कोई नियम नहीं है। यह केवल शैतान का धोखा है। वह जो अध्ययन में समय व्यतीत नहीं करता, कॉलेज की डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता, जो संगीत में समय व्यतीत नहीं करता, वह एक निपुण संगीतकार नहीं बन सकता। किसी भी चीज पर अधिकार पाने के लिए समय अनिवार्य है। बिना दर्द के कुछ प्राप्त नहीं होता। इस बात पर गौर कीजिए कि कितना समय आपको इस प्रार्थना के जीवन के लिए अलग करना चाहिए जो परमेश्वर को मनुष्य के साथ जोड़ता है। कुछ घंटों तक भावनात्मक रूप से प्रार्थना करना और फिर कई दिनों तक बिल्कुल प्रार्थना न करना हानिकारक है। एक दिन लंबी प्रार्थना कर लेना दूसरे दिन के लिए पूर्ति नहीं कर सकता। बाइबल के संत एक एक स्थिर समय प्रार्थना के लिए अलग करते थे और हर प्रकार से इस समय का पालन करते थे। पतरस और यहुन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में गए। अभी कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने 10 दिन प्रार्थना में व्यतीत किए थे,
जिससे पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। वह लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। लूका 24:40। उन्होंने यह कहकर प्रार्थना करना बंद नहीं कर दिया, अभी हाल ही में हमने बहुत दिनों तक प्रार्थना की है। बड़े जोश के साथ वह अपने प्रार्थना के समय की रक्षा करते रहे। बड़ी जागृति के समय, पिछली वर्षा के समय में, उस समय में भी जबकि हजारों परमेश्वर के पास आ रहे थे, उन्होंने अपनी प्रार्थना के समय के साथ समझौता नहीं किया, जबकि उनकी बहुत सी आवश्यकता थी। दूसरे अन्य कार्यों को अलग करके उन्होंने अपने प्रार्थना के समय के मूल्य को बनाए रखा। वह कलीसिया जो एक समय प्रार्थना से बढ़ रही थी, आज बिना प्रार्थना से घटती जा रही है। चाहे कोई भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य आपको क्यों ना हो, प्रार्थना का समय का स्थान नहीं लेना चाहिए। आपकी कल की प्रार्थना आज की प्रार्थना का स्थान न लेने पाए, कोई सृष्टि सृष्टिकर्ता का स्थान न दानियल को देखें, उसके पास प्रार्थना का निश्चित समय था। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीतिनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल 6:10। भले दिनों में प्रार्थना के समय को सुरक्षित रखना सरल है, हमारी सच्चाई की परीक्षा कठिनाइयों के समय में जानी जाती है। दानियल की परिस्थितियों पर विचारें। उसके शत्रुओं ने कई प्रकार से उस पर दोष लगने का प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं कर सके। यह एक महान सच्चाई है कि दानियल के प्रार्थना के समय को कोई बदल नहीं सका। उसके शत्रुओं ने उसके प्रार्थना के समय में गड़बड़ी डालने की कोशिश की। ये जानते थे कि उसके प्रार्थना का समय ही उसकी सफलता का रहस्य है। राजा के सारे अध्यक्षों ने आपस में सम्मति की और ऐसी आज्ञा निकाली कि उसके नागरिक राजा को छोड़ और किसी से विनती न करें, और यदि वह इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वह शेरों की माद में डाले जाए। अपने प्राण को बचाने के लिए भी उसने अपने प्रार्थना के समय का बलिदान नहीं किया। शैतान आपके प्रार्थना के समय को चुराने के लिए तैयार रहता है, और इसके लिए आपको जागृत रहने की आवश्यकता है। हर कीमत पर इसको सुरक्षित करने का निर्णय करना चाहिए। परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपके द्वारा देश आशीषित होगी, आप परमेश्वर के प्रिय मित्र बन जाएंगे, राजाओं के राजा की संगति आपका भाग होगा, आपका प्रार्थना का जीवन एक अद्भुत जीवन बन जाएगा। आज ही अपने प्रार्थना के समय के विषय में निर्णय लें। परमेश्वर को आपके प्रार्थना के समय की जानकारी हो और आप उसको विश्वास योग्यता के साथ रखें। आप शायद ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या प्रार्थना के लिए समय नियुक्त करना इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह काफी नहीं कि कोई लगातार प्रार्थना के स्वभाव में रहे? बहुत से इस बात की सलाह देते हैं कि कार्य करते समय प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का स्वभाव उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास प्रार्थना का नियुक्त समय है। अनुभव से यह बात सत्य मालूम होती है। प्रभु यीशु को देखें, उसके समान किसी ने भी पिता के साथ बातचीत नहीं की। काना की उस शादी में बड़ी भीड़ में भी अपने पिता की उपस्थिति को महसूस करता था, और अपने नियुक्त समय को भी। शोक करने वाले व्यक्तियों के बीच में भी वह पिता की मीठी उपस्थिति का अनुभव कर सकता था। उन्होंने कहा, पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं वही काम करता हूं जो उसको प्रसन्न है। वह इस बात को महसूस करके रह सकते थे, मैं और पिता एक है। केवल कूस पर ही कुछ क्षणों के लिए उन्होंने परमेश्वर से अलगताई को महसूस किया, वह उसको सह न सके। क्या इस प्रार्थना योद्धा के पास विशेष प्रार्थना का समय था? हां, बहुत भोर को वह एकांत में प्रार्थना के लिए जाते थे। कई अवसर पर उन्होंने पूरी रात प्रार्थना में बिताई।